नमस्कार मित्रों, नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुदेश कुमार। दोस्तों, हम यहाँ कर रहे थे यूजीसी नेट पेपर 1 की जन और पर्यावरण यूनिट, यानी कि पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट। दोस्तों, ये 9th यूनिट है और इस यूनिट को करने से पहले हम 3 यूनिट मैं अपने चैनल पर करवा चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। 3 यूनिट कौन कौन सी थी? एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन यूनिट और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये तीनों यूनिट्स मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ और इनके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करवा चुका हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से इन यूनिट्स को देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल करवाया है, बहुत ही मेन मेन टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है। और आज हम कर रहे हैं दोस्तों पर्यावरण, जन और पर्यावरण यानी कि पीपल एंड एनवायरनमेंट की दूसरे चैप्टर को। इससे पहले एक चैप्टर हम कर चुके हैं ऑलरेडी और आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट का दूसरा चैप्टर, और इसके अंदर पढ़ेंगे वायुमंडल। दोस्तों, वायुमंडल के बारे में जानेंगे, वायुमंडल क्या होता है और किस तरह से ये हमें हमारे काम आता है। तो मित्रों, वायुमंडल के बारे में वैसे तो आप जानते ही होंगे कि जो आपके चारों तरफ हवा फैली पड़ी है, यानी कि आप सांस लेते हो, हवा में कपड़े सुखाते हो, पतंग उड़ाते हो, हवा में जो आपके चारों तरफ हवा फैली पड़ी है, फैली हुई है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पे एकत्रित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक घनी मोटी परत है जो पृथ्वी के चारों ओर है और पृथ्वी को घेरे हुए है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कि चारों तरफ जो हवा फैली पड़ी है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें सांस भी लेना है तो वायुमंडल से हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, और हमें कोई भी काम करना है, आग भी जलानी है तो आग के लिए भी हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो कि हमें वायुमंडल से मिलेगी। कुछ भी काम करना है, अगर हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो भी हमें वायुमंडल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हवा होती है तभी हम बातें कर पाते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों में वायुमंडल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात, सांस हम लेते हैं वायुमंडल में से ही लेते हैं, एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। तो दोस्तों, सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे भी हमारा वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। कैसे? कि ओजोन परत होती है थोड़ी सी ऊपर, और ओजोन परत जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको सोख लेता है। अगर ओजोन परत ना हो तो अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरती पर आ जाएँ, और अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें क्या हानि होगी कि सभी को कैंसर हो जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने जनरेट हो जाएंगी। तो जो वायुमंडल है यह सांस लेने में बहुत उपयोगी है हमारे लिए, सांस लेने के लिए हमें वायु प्रदान करता है, और सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। तो दोस्तों, वायुमंडल बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, यह हमें गर्मी में जलने और सर्दी में जमने से बचाता है। दोस्तों, वायुमंडल की वजह से ही हमारी धरती पर जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो सामान्य रह पाता है। क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं होगा तो जब सूर्य की तरफ होंगे हम तो हो सकता है सूर्य हमें जला दे, सूर्य की गर्मी इतनी तेज़ होगी कि हम उसके अंदर जल जाएंगे, और जैसे ही रात होगी तो धरती पर इतनी ठंडी होगी, इतनी ठंड पड़ेगी कि हम जम जाएंगे, और जब दिन होगा तो हम जल जाएंगे सूर्य की गर्मी से, और जब रात होगी तो हम जम जाएंगे, क्योंकि वहाँ सूर्य की गर्मी नहीं होगी तो हम जम जाएंगे। तो मित्रों, वायुमंडल की वजह से ही एक सामान्य तापमान हमारी पृथ्वी पर है, और वायुमंडल की वजह से ही यहाँ पे जो जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब यहाँ पे जिंदा हैं और हमारा एनवायरनमेंट बन पाता है, सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल की वजह से ही। दोस्तों, अगर वायुमंडल नहीं होगा तो हम कपड़े सुखाएंगे, कपड़े सूख नहीं पाएंगे, हम किसी से बोलेंगे तो किसी को हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी, और हम कोई भी काम करेंगे सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, आग नहीं जला पाएंगे,
और मूवमेंट नहीं कर पाएंगे इधर उधर, क्योंकि वायुमंडल है तो मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, प्रकृति ही नष्ट हो जाएगी अगर वायुमंडल नहीं होगा। तो वायुमंडल हमारे लिए और प्रकृति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही हमारे लिए मायने रखता है। अब दोस्तों अगला पॉइंट है, जिस वायु का प्रयोग हम सांस लेने में उपयोग करते हैं उसमें अनेकों गैसें होती हैं। दोस्तों जो हम सांस लेते हैं, तो आपने ज़्यादातर बातें ये सुनी होंगी कि हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो मित्रों इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए कि हम बिल्कुल ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, हम ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी गैसें लेते हैं सांस के अंदर। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हम बिल्कुल ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं सांस में, हम सांस के ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी गैसें भी सांस के द्वारा लेते हैं, और वह हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और लाभदायक भी हैं, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं, जो हम सांस लेते हैं तो हम कौन कौन सी गैसों को अपने अंदर लेते हैं और वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैसें कितने कितने प्रतिशत मात्रा में विराजमान हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% है, 78%। और दोस्तों नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है, हमारे हमारे शरीर के लिए भी ज़रूरी होती है कुछ मात्रा में, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर आ जाए तो ये हमारे शरीर में नुकसान भी पहुँचा सकती है। और दूसरी कंडीशन ये होती है दोस्तों, नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, वो मिट्टी के ज़रिए या मतलब दूसरे रूप में, बदले हुए रूप में लेते हैं, लेकिन उनके लिए नाइट्रोजन बहुत ही लाभदायक होती है पेड़ पौधों के लिए भी। उसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन तो 78% होती है आपकी वायुमंडल में, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 21% होती है आपके वायुमंडल में, जो कि आपको पता ही है कि ऑक्सीजन अगर ना हो तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता है, और जो जीव जंतु हैं सब के सब मर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर कोई प्राणी ज़िंदा नहीं रह सकता है। तो जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल के अंदर 21% है, यानी कि 21%। उसके बाद कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जैसे हम सांस लेते हैं अंदर तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस को छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.03% हमारी एनवायरनमेंट के अंदर है, हमारे वायुमंडल के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो दोस्तों आप ये नहीं कह सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड तो होनी ही नहीं चाहिए, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति का संतुलन तभी बनता है जब सारी चीज़ें यहाँ पर विराजमान होती हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में होना चाहिए। अगर ये सीमित मात्रा से ज़्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा मित्रों, यानी कि धरती पर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि हम उस गर्मी को सह नहीं पाएंगे और धरती पर रह नहीं पाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक लिमिटेड मात्रा में ही धरती के ऊपर रहनी चाहिए, जिसकी लिमिटेड मात्रा है 0.03%। उसके बाद दोस्तों आर्गन, आर्गन एक गैस ऐसी है जो 0.93% होती है। दोस्तों आर्गन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारी गैसेस को तो आप जानते हो, उनकी मात्रा को भी जानते हो, उनकी परसेंटेज को भी जानते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आर्गन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, क्योंकि आर्गन को ज़्यादा कोई गौर से नहीं पढ़ता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आर्गन की मात्रा पूछी जाती है कई बार, तो आर्गन की मात्रा आपके वायुमंडल में कितनी है, 0.93%, 0.93%। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स को ही पूछते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, जो मोस्टली जिनको लोग कम पढ़ते हैं या उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों अन्य सभी गैसें, और भी बहुत सारी गैसें हैं हमारे वायुमंडल में, तो और सभी जो गैसें हैं वो हैं 0.04%, यानी कि 0.04%, और बाकी अन्य गैसें भी हमारे वायुमंडल के अंदर विराजमान हैं। तो मित्रों बहुत ही ईजी है, ये हमने पढ़ा था वायुमंडल। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, वायुमंडल में आपको समझ में आ गया होगा कि वायु, जो हमारे चारों तरफ वायु फैली हुई है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक मोटी चादर वायु की, यानी कि हवा की एक मोटी चादर फैली हुई है, वही वायुमंडल होता है। और दोस्तों वायु चलती कैसे है, जैसे आपने देखा है आंधी चलती है, हवा चलती है, तो हवा चलती है, चलती कैसे है, देखिए जहाँ पर गर्म तापमान होता है वहाँ से हवा ठंडे तापमान की तरफ भागती है, यानी कि ठंडे तापमान की तरफ प्रवृत्त होती है। तो जैसे ही वो गर्म तापमान में हवा होती है तो वो ठंडे तापमान की तरफ भागती है, तो उसी को कहते हैं हवा चलना।
ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये पॉइंट्स। अब चलते हैं आगे। अब देखिए आप पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों को मैं इंग्लिश और हिंदी में भी लेकर आया हूँ, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे कि हिंदी में इसका नाम क्या है और इंग्लिश में इनका नाम क्या है। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर, आप पढ़ेंगे वायुमंडल की परतें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वायुमंडल की परतें, ये हमें जान लेनी चाहिए, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है पृथ्वी, ये पृथ्वी है हमारी, और इसके ऊपर ये बिल्डिंग्स हैं, पेड़ पौधे हैं, और आपके पहाड़ हैं, झरने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपका समुद्र है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा निशान बनाया है, ये आपका समुद्र है यानी कि जल भरा हुआ है। अब देखते हैं इसके ऊपर, सबसे पहले देखते हैं जलमंडल क्या होता है। दोस्तों जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, तो जो जितना भी जल भरा हुआ है धरती पर उसे कहते हैं हम जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। जैसे पहाड़ पौधे, जैसे कि नदियां हैं, समुद्र है, मतलब जहाँ जहाँ पे जल भरा हुआ है उन जगहों को क्या कहते हैं, जलमंडल। क्या कहते हैं, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद बारी आती है दोस्तों जीवमंडल। जीवमंडल किसे कहते हैं, देखिए 30 मीटर ऊपर तक एनवायरनमेंट में, धरती की जो सतह है इससे 30 मीटर ऊपर तक और समुद्र में 200 मीटर नीचे तक को हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। ये आपको फिर से ध्यान रखना है कि धरती के 30 मीटर ऊपर तक यानी कि धरती की जो सतह है, परपटी है, प्लेन जो धरती है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ से 30 मीटर तो ऊपर तक और समुद्र में यानी कि पानी में 200 मीटर नीचे तक का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं जीवमंडल। क्या कहते हैं, जैव मंडल। दोस्तों जैव मंडल को बायोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। अब देखते हैं स्थल मंडल। दोस्तों स्थल मंडल क्या होता है, ये देखिए लिथोस्फीयर इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसका काम क्या होता है, ये इसे बोलते क्या है, जैसे कि जहाँ हम रहते हैं बिल्डिंग्स में रहते हैं, पेड़ों के नीचे रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, तो ये क्या होता है, पहाड़ हैं और पत्थर हैं, मैदान है, मैदानी इलाके हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो पानी जहाँ भरा हुआ है उसे कहते हैं जलमंडल, और पानी के अंदर 200 मीटर नीचे तक और धरती की जो सतह है उससे 30 मीटर ऊपर तक के बीच को, इस गैप को हम कहते हैं जीवमंडल, क्योंकि इसमें जीव विराजमान करते हैं, क्योंकि हवा में भी छोटे छोटे कीट पतंगे छोटे छोटे जीव उड़ते हैं और पानी के अंदर भी जीव रहते हैं, तो इसे कहते हैं जीवमंडल, इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं जीवमंडल को। उसके बाद स्थल मंडल वो होता है जहाँ पे हम रहते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग्स हैं हमारी, जहाँ पे हम रहते हैं उसे कहते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। तो मुझे उम्मीद है ये तीनों चीज़ आपकी समझ में आई होंगी। अब चलते हैं आगे। देखिए अब जो पृथ्वी की सतह है उससे ऊपर जब हम जाएंगे तो ये क्या होगा, जो हमारे ऊपर है, जस्ट जहाँ आप रह रहे हो, मैं रह रहा हूँ, तो हमारे जो ऊपर है इसे कहते हैं क्षोभ मंडल, इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल, जिसके अंदर बादल हैं, हवा है, हवा चल रही है, बादल हैं, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर रहती हैं उसे कहते हैं क्षोभ मंडल, जहाँ पे पक्षी उड़ सकते हैं, जहाँ जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारे ऊपर जस्ट रहता है। कितने किलोमीटर तक दोस्तों, 0 से लेकर 13 किलोमीटर ऊपर तक जो स्पेस है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। अब दोस्तों बारी आती है 30 किलोमीटर से ऊपर क्या है, तो 30 किलोमीटर से ऊपर यानी कि क्षोभ मंडल से ऊपर है समताप मंडल। क्या है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों समताप मंडल के अंदर ही ओजोन परत होती है हमारी, और वायुयान भी इसी में उड़ते हैं। वायुयान किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी में वायुयान उड़ते हैं। और दोस्तों समताप मंडल के अंदर बादल नहीं होते हैं, इसके अंदर बादल नहीं होते हैं, तभी इसके अंदर वायुयान को उड़ाया जाता है जिससे कि साफ दिखे, इसके अंदर बादल नहीं होते हैं। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो वायुदाब कम होता जा रहा है दोस्तों, वायुदाब कम होता जाएगा, और जैसे ही हम पृथ्वी की तरफ आएंगे वापस उल्टे नीचे तो वायुदाब बढ़ता जाएगा,
और जैसे ही हम समुद्र की तलहटी में चले जाएंगे तो वहाँ पे वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, आसमान की तरफ, तो हमारा वायुदाब कम होता चला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए, समताप मंडल में क्या होती है, ओजोन परत होती है और वायुयान भी इसी परत में उड़ते हैं। दोस्तों, ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अगर ओजोन परत ना हो तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमें बीमार कर सकती हैं और हमें और या इस पृथ्वी को रहने लायक नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उनकी वजह से कैंसर होने लगेगा लोगों को, तो सारी पृथ्वी परेशान हो जाएगी, तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है कुछ ही दिनों बाद। तो इसलिए ओजोन परत बहुत ज़रूरी होती है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ का है दोस्तों, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है उससे ओजोन परत को सबसे ज़्यादा खतरा है। इसके बारे में स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा दोस्तों, ओजोन परत के बारे में। चलो आगे चलते हैं। तो वायुयान भी इसी के अंदर उड़ते हैं समताप मंडल में, और समताप मंडल कितने किलोमीटर तक होती है ऊपर, ये होती है 50 किलोमीटर तक। ये कहाँ तक होती है, 50 किलोमीटर तक। अब दोस्तों, समताप मंडल से ऊपर जो सतह होती है उसे कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं, मध्य मंडल। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेसोफेयर, मेसोस्फेयर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेसोस्फेयर। दोस्तों, इसमें क्या होता है, उल्कापिंड जल जाते हैं यहाँ, और यहाँ पे सबसे ठंडी जो परत होती है वो यही होती है, कौन सी, मध्य मंडल। दोस्तों, मध्य मंडल में क्या होता है, जैसे ही उल्कापिंड धरती की तरफ गिरते हैं आसमान से यानी ब्रह्मांड से, स्पेस से, तो वो इस सतह में आके जल जाते हैं, घिस घिस के जल जाते हैं। और दोस्तों, इस सतह का, इस लेयर का जो तापमान होता है वो बहुत ही कम होता है, वो चला जाता है आपका -100 डिग्री सेल्सियस तक, इसका तापमान सबसे कम होता है। तो दोस्तों, ये होती है मध्य मंडल, इसके अंदर उल्कापिंड जब आते हैं तो वो इसी के अंदर नष्ट हो जाते हैं, और इसका तापमान सबसे कम होता है मेसोस्फेयर का, मध्य मंडल का। और दोस्तों, मध्य मंडल 80 किलोमीटर ऊपर तक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 80 किलोमीटर ऊपर तक मध्य मंडल आपकी लेयर होती है। उसके बाद दोस्तों, अगली अगली लेयर क्या है, आयन मंडल। आयन मंडल बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको कहते हैं आयनोस्फेयर इंग्लिश में। और दोस्तों, आयन मंडल में क्या क्या काम होता है, आयन मंडल जो भी 80 किलोमीटर से ऊपर ऊपर होगी उसे आयन मंडल कहेंगे, यानी कि आयनोस्फेयर। और आयन मंडल के अंदर क्या क्या होता है, देखिए, सैटेलाइट इसी के अंदर सेट करते हैं हम आयन मंडल के अंदर, और जो रेडियो वेव्स होती हैं वो यहीं से संचालित होती हैं, जितनी भी रेडियो वेव्स होती हैं वो आयन मंडल के अंदर से ही संचालित होती हैं, इसी से टकरा कर वापस आती हैं। तो दोस्तों, आयन मंडल में सैटेलाइट को सेट करते हैं, और आयन मंडल से ही थोड़ा सा ऊपर तापमंडल होता है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर तापमंडल होता है जिसको थर्मोस्फेयर कहते हैं। तापमंडल में क्या करते हैं दोस्तों, इसका तापमान होता है 1000 डिग्री सेल्सियस तक, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हबल टेलीस्कोप जो हमारा है ऊपर पृथ्वी के ऊपर, वो तापमंडल के अंदर ही है, यानी कि थर्मोस्फेयर के अंदर। और स्पेस स्टेशन जितने भी होते हैं, स्पेस स्टेशन भी किसके अंदर है, तापमंडल के अंदर। तो मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आयन मंडल होता है, तापमंडल होता है, ये 640 किलोमीटर तक के बीच में होता है, यानी कि आयन मंडल 80 किलोमीटर से स्टार्ट होगा और 640 किलोमीटर तक के बीच में होगा, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, अगली एक और परत है, सतह है, देखिए 640 किलोमीटर से ऊपर, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, इसे कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों, बहिर्मंडल इस लेयर को हम कहेंगे, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बहिर्मंडल कौन सी लेयर है, बहिर्मंडल है आपकी 640 किलोमीटर से ऊपर ऊपर, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसे हम बहिर्मंडल कहते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्जोस्फेयर। और बहिर्मंडल में काम क्या होता है दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं बहिर्मंडल के अंदर, यानी कि जो आयन मंडल से ऊपर है, 640 किलोमीटर से ऊपर ऊपर का जो भाग है उसे बहिर्मंडल कहेंगे। स्पेस में कितना भी जा सकता है, उसकी कोई समय सीमा नहीं है, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना बड़ा हो सकता है। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं, किसके अंदर, बहिर्मंडल के अंदर, एग्जोस्फेयर के अंदर, एग्जोस्फेयर के अंदर। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वायुमंडल की परतें
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपर जो जो जल होता है, तो जल को जहाँ जहाँ जल भरा हुआ होता है उसे जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल के अंदर 200 मीटर नीचे तक और धरती की परपट्टी से ऊपर 30 मीटर तक के जो स्पेस होता है इसको जीव मंडल कहते हैं। इसमें जीव होते हैं छोटे छोटे। और दोस्तों उसके बाद सतल मंडल वो होता है जहाँ पे हम रहते हैं, बिल्डिंग हैं, पहाड़ हैं और बहुत सी सारी चीज़ें जो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर होती हैं उसे सतल मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में यही आता है जो दोस्तों हमसे 30 किलोमीटर ऊपर तक का जो एरिया है, जो आसमान है, उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है, ओजोन परत नहीं, इसमें नहीं होती है, ओजोन परत ऊपर वाले में होती है। तो क्षोभ मंडल से ऊपर क्या होता है, समताप मंडल। समताप मंडल के अंदर ओजोन परत होती है, वायुयान इसी के अंदर उड़ते हैं और इसके अंदर बादल नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों मध्यमंडल आता है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। इसके अंदर उल्कापिंड जल जाते हैं और यहाँ पे तापमान सबसे ठंडा होता है -100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दोस्तों 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच में आपका आयन मंडल आता है। और आयन मंडल में ही सेटेलाइट को सेट करते हैं, रेडियो वेव्स यहीं से टकराती हैं। और इससे थोड़ा सा ऊपर जस्ट तापमंडल होता है, थर्मोस्फेयर जिसे कहते हैं। इसमें तापमान बहुत हाई होता है मित्रों, 1000 डिग्री सेल्सियस होता है इसके अंदर। और जो हर्बल टेलीस्कोप होता है वो इसी के अंदर सेट किया गया है और स्पेस स्टेशंस भी इसके अंदर ही होते हैं। उसके बाद दोस्तों बहिर्मंडल, सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है, लेयर जो होती है, उसको बहिर्मंडल कहते हैं, एक्सोस्फेयर। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, 640 किलोमीटर से ऊपर ऊपर जो होती है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल वे से मैंने पढ़ाया, बहुत ही आराम से पढ़ाया है। इनको आप हो सकता है नोट भी कर लें और हो सकता है आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, इससे आपकी समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों आप करते हैं कुछ क्वेश्चंस, थोड़े से क्वेश्चन हैं, ये ज़रूरी हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो मित्रों ओजोन, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, ओजोन का पूरा परफॉर्मा बना के लाऊंगा, उसमें कौन कौन सी गैस होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन मात्र किया है हमने। तो हमें सूर्य की किरणों की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमें बचाती है ओजोन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है? दोस्तों क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है जिसके अंदर हम रहते हैं। उसके बाद वायुमंडल की परतों में से कौन सी बादल विहीन है, जिस परत के अंदर बादल नहीं होते हैं उसे कहते हैं समताप मंडल दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब घटता है या बढ़ता है? तो मित्रों ऊपर जाते हैं तो वायुदाब घटता है और जितना हम नीचे आएंगे उतना ही वायुदाब बढ़ेगा। तो मित्रों ये था आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मैंने कोशिश की अच्छी तरह से समझाने की। आज हमने पढ़ा वायुमंडल और दोस्तों मैं यहाँ पे वही मोस्ट चीज़ें लेकर आने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आने वाला हूँ जो आपके यूजीसी नेट और गेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मोस्टली वही टॉपिक यहाँ पे लेकर आऊँगा और आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो वीडियो को दोबारा भी रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर मित्रों, अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, भेजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।